मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान होता है जहां पर कोई भी बुरी ताकत आपका पीछा नहीं कर सकती। पर क्या आपको पता है, भारत में कुछ इतने डरावने मंदिर हैं जहां जाने के लिए जिगरा चाहिए है। वेलकम टू गॉड्स ऑफ इंडिया, जहां मैं आपको मंदिरों और भगवानों से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य, उनकी ताकत और चमत्कार के बारे में बताता हूँ। आज मैं लाया हूँ भारत में पांच सबसे डरावने मंदिर। पांचवे नंबर है देवी जी महाराज मंदिर, मध्य प्रदेश। यह मंदिर सभी लोगों के लिए है। यह मंदिर दिन के समय तो शांत और सुंदर है, परंतु रात को इस मंदिर में से अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। रात को इस मंदिर में आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। चौथे नंबर पर है दत्तात्रेय मंदिर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। यह मंदिर की मान्यता है कि इस मंदिर में आज भी उधर के पुराने पुजारी की आत्मा घूमती है। लोगों ने तो उनकी आत्मा को देखने तक का दावा किया है। इतना डरावने होने के बावजूद दिन भर इस मंदिर में कई श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने। तीसरे नंबर पर है चांडी देवी मंदिर, हरिद्वार। यह माता का एक बहुत ही रुद्र रूप है। मान्यता है कि अगर इस मंदिर में कोई नवरात्रि के दौरान जाता है तो उस पर माता का साया आ जाता है, परंतु किसी अन्य दिन जाने से लगा हुआ साया भी उतार जाता है। दूसरे नंबर पर है श्री काष्ठभाजन देव जी मंदिर, गुजरात। श्री हनुमान जी को समर्पित यह मंदिर अपनी अलग शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस मंदिर में बुरे साए दूर हो जाते हैं। पहले नंबर पर है राजस्थान का मेहदीपुर बालाजी। इस मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, परंतु क्या आपको पता है, यह पर मरीजों को लोहे की जंजीरों में बांध के रखा जाता है और किसी आम व्यक्ति को तो उस स्थान पर जाने भी नहीं दिया जाता है। माना यह भी जाता है कि इस मंदिर का प्रसाद कभी घर नहीं लेकर जाना चाहिए। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं आप इनमें से कौन से मंदिर के दर्शन करना पसंद करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।